हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सन रेज आर इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द होराइजन। दे बी डायरेक्टेड पैरेलल टू द होराइजन यूजिंग अ प्लेन मिरर। फॉर दिस प्लेन मिरर शुड बी प्लेस्ड एट एन एंगल। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो गया हमारा प्लेन मिरर। इस क्वेश्चन में हमें ये सनरे दिया हुआ है और ये हमारा होराइजन है। हमें इस सनरे को होराइजन के पैरेलली डायरेक्ट कर देना है। तो ये अगर इस तरफ पेनिट्रेट होता हुआ चला जाता तो हमें इसे पैरेलली डिफ्लेक्ट करना है। इसके लिए हम एक प्लेन मिरर का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि प्लेन मिरर कुछ इस तरह हमने लगा दिया। थीटा डिग्री के एंगल पे विथ द होराइजन, तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस थीटा। अब प्लेन मिरर बनाया है तो हमने नॉर्मल भी बनाते हैं, तो दिस इज आवर नॉर्मल। और नॉर्मल से रे तक पड़ने वाली एंगल को हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं इंसिडेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 24 माइनस थीटा। और वहीं दूसरी तरफ हमें रिफ्लेक्टेड रे भी लिखना होगा। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे आर, ये भी हमारा थीटा है। तो हम रिफ्लेक्टेड रे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और यहां से यहां तक भी ये 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं बाई मिरर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल हो गया हमारा 90 माइनस 24 माइनस थीटा, विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। 90 90 यहाँ से कैंसिल हो गया। 24 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, 24 इज इक्वल टू 2 थीटा, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी होराइजन से वो 12 डिग्री होगी। अगर हम अपने मिरर को होराइजन से या हॉरिजॉन्टल से 12 डिग्री पे रखते हैं तो हमारा सनरे पैरेलली होता हुआ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, 12 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।